साढ़े को पानी जो है नहीं तो साड़ी खेती भी नहीं होनी, पीने लिए पानी भी नहीं मिलना, तो पंजाब लिए तो क्राइसिस खड़ा हो गया। ये लड़ना जरूरी है। वो कहते कि इंडिविजुअल लोग लड़े से अपनी जमीन पिछे कि पानी पिछे लोग उन्हें अवेयर हो जाएंगे जल्दी। जिमें हुम हुमा के हुण अज आए ने लोग, एक साफ साबित करता है भी पंजाब के लोगों नू पानिया के मसले से चिंता है। जिस तरह से कहते कि डिवाइड एंड रूल की गल हमेशा करती है तो हाकम हमेशा इदा ही करता, कुछ जथेबंदियों सीएम मतलब किसान आगुओं जप्पियां पाने तो गलबात तक नहीं हजे हुई। समझाना पौ की करिए होंदा ही है। तुसीं कहा कि यह लड़ाई भी पहला वांगू कट्ठे होकर लड़ी जाऊगी, जिस तरह खेती कानून असी रद्द करवाए ने तो हूँ क्योंकि अद्धी जथेबंदियां होर पास तुरदियां ने तो इनिशिएटिव तुसीं लओगे। उदों बत्ती सी, पहला अड्डो अड्ड सी बत्ती, फिर हौली हौली बत्ती कट्ठिया हो गई सी ना, ये हूँ तो दो तीन ग्रुप ने, कोई दिक्कत नहीं। कि स्टेट सरकार तो कोई सहयोग की उम्मीद ज किस तरह लगता स्टेट सरकार हूँ तक के रोल में कि देखते दे। स्टेट सबजैक्ट की तो साढ़े मुद्दे के उत्ते पकड़े है नहीं, वो तो टपले ला के रोज़ लोगों का ध्यान किसी न किसी पास हटाते हैं, जो वादे किए ने उधर आते। बलबीर सिंह राजेवाल ने अज एक होर वड्डा ऐलान कर दिया कि अगला मोर्चा हुण पंजाब की धरती तो होगा, तो राजेवाल साढ़े नाल ने गलबात। राजेवाल साहब एक मोर्चा जितया हुण दूजे का ऐलान जिहड़ा करता, देखो हाले वो मोर्चा अधूरा जितया, हाले एम एस पी का मुद्दा बाहरलियां स्टेटां दा सारियां दा हाले पेंडिंग है, तो उहदे च साडे वल्लों पूरा सहयोग रहेगा सारियां जथेबंदियां नूं, इस करके हाले उह सस्पेंड कीता होया मोर्चा, फाइनल नहीं होया। आ जिहड़ा मुद्दा है ये साडे कोल समां नहीं रहा, जिस तरह मैं जिक्र किया भी एक रिपोर्ट है भी 2025 पानी दो तिहाई लोग जड़े ने पानी तो तरसणगे, पंजाब की स्थिति यह है भी पंजाब पानी दो तिहाई तो वध ब्लॉक जड़े ने डार्क ब्लॉक डिकलेयर हो गए, तो साढ़े कोल पानी जे है नहीं तो साड़ी खेती भी नहीं होनी, पीण लई पानी भी नहीं मिलना, तो पंजाब लई तो क्राइसिस खड़ा हो गया। इहदे लई लड़ना जरूरी है, और हुण तक जदों इहनूं स्टडी किया प्रॉब्लम नूं तां पता लग्या सरकारां ने संविधान अनुसार काम नहीं किया, जिहड़ी संविधान की जिहड़ी हैगी है 7th शड्यूल की स्टेट लिस्ट उहदे च पानी जिहड़ा 17 नंबर ते दर्ज है, इहदा मतलब इह स्टेट सबजैक्ट है, स्टेट सबजैक्ट है, केंद्र इहदे च दखल नहीं दे सकदा, पर हुण तक जिन्हें फैसले होए केंद्र ने आर्बिट्रेरीली कीते ने, और जदों जिन्हें समझौते हुए ने वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करके हुए है। केंद्र सरकार को क्योंकि कोई अधिकार नहीं सी, जो रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 1966 का बनया पंजाब हरियाणा वक् होए तो उस वेले इन्होंने धारा 78-79-80 पा के अधिकार अपने को ले उन्होंने चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट च, उस वेले की प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री साढ़े घुरकी दे के जी पटीशन से वापस लै दी। साहब जिस तो की गल करिए कि जिस तरह खेती कानून से वर्ल्ड बैंक तो जो सारा उतो शुरू होंगे, इस मुद्दे को थोड़ा जहा खोली है कि जिस तरह कह गया कि पानी से भी कारपोरेट का हक हो जाएगा, कि धरती हेठला पानी किसानों का नहीं कहा जा रहा कि नहरी पानी भी कारपोरेट का हक हो जाएगा, तो यह लड़ाई लंबी है, उस तो वड्डी लड़ाई आ, पर देखना यह होगा कि जिस तरह जमीन पिछे वो कहते कि इंडिविजुअल लोग लड़े से अपनी जमीन पिछे कि पानी पिछे लोग उन्हें अवेयर हो जाएंगे जल्दी। पानी पिछे मैं शायद तुम्हें नहीं पता होना, तुम उस वे मेरे कॉन्टैक्ट नहीं सी, जदों 2020 असी इतने रैली की मोर्चा शुरू करने तो पहला उदे विच जिन्ने लोग अज आए इहदे नालों घट सी, और मैनू उदन तसली हो गई सी क्योंकि सरकार ने पाबंदी लाती सी रैली ते, फिर भी लोग 15-15 किलोमीटर पैदल तुर के आए सी, मैनू तसली हो गई भी इहदा मतलब लोगों के मुद्दा समझ आ गया, ये लड़ाई हो सकती है, फिर उस बाद सारिया जथेबंदियां कट्ठिया कीतियां, इवें जिमें हुम हुमा के हुण अज आए ने लोग, एक साफ साबित करता है भी पंजाब के लोगों नू पानिया के मसले ते चिंता है, लोग लड़न लई तैयार ने, लड़न का जितों तक खासा पंजाबियों का इन्हों का कोई मुकाबला नहीं, कोई सानी नहीं, ये लोगों वास्ते लड़ते रहे, साढ़े तो गुरु साहबान ने लोगों वास्ते कुरबानियां देतियां, तो साढ़े अपने वास्ते तो क्यों नहीं लड़नगे, सानू तो गुरु साहब ने सच की लड़ाई लड़न का यही उपदेश दिता है, तो मैं कोई इस गल च भुलेखा नहीं, लड़ाई असी जितांगे, समा वध घट लग सकता है वो कह नहीं सकते। सब जदों लड़ाई थोड़ी केंद्र नाल तो एक होर भी जी गल महत्वपूर्ण हो जाती हैगी, क्योंकि स्टेट सरकार थोड़े नाल कि स्टेट सरकार तो कोई सहयोग की उम्मीद ज किस तरह लगता स्टेट सरकार हुण तक के रोल में कि देखते हो? स्टेट सरकार की हाले तक कोई नाल नहीं, स्टेट सबजैक्ट की तो साढ़े मुद्दे के उत्ते पकड़े है नहीं, वो तो टपले ला के रोज़ लोगों का ध्यान किसी न किसी पास हटाते हैं, जो वादे किए ने उधर आते हैं, पर उदी ना भी होवे स्टेट ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई हुण तक, जिहड़ा पानी साडू एलोकेट होया है
वो पानी भी सानू पूरा नहीं मिल रहा। साढ़े सूए जिहड़े ने सिल्ट जम गई, काबूट खड़ा है 5 किलोमीटर पिछे ही, टेल एंड तो पिछे खत्म हो गए। तो फिर हूँ जिहड़ी सरकार ये नहीं कर सकी ठीक, उन्होंने की कहोगे तुसी? तो तुसी अप्रोच किया, गलबात कर ली सरकार वालों, पंजाब सरकार वालों देता मेमोरेंडम करनगे, असीं गल नूं तैयार। एक गल तुसी बहुत इंपॉर्टेंट आखी, जिस तरह से कहते हैं डिवाइड एंड रूल की गल हमेशा करती है, तो हकम हमेशा इदा ही करता। कुछ जथेबंदियों सीएम ज मतलब किसान आगुआ जफ्फिया पाने तो गलबात तक नहीं हजे हुई, समझा पऊ की करिए होंदा ही है। तो एक केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री आखते हैं, क्योंकि जो भी कुछ होंगे कि हूँ पानी जारी लगे, पानी दूषित हो, सारा जो दोष आ किसान के सिर मर दिता। एक बार केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने आख्या कि किसान आप चंगी फसल रख लेंगे ने तो बिना रेह स्प्रे वाली तो सानू जहरीलियां फसल देंगे। मैनू अफसोस है, साढ़े केंद्रीय मंत्री को ग्राउंड रियलिटीज़ का जानकारी नहीं। वो भी इदा ही पॉलिटिशियन है ना, बदकिस्मती है इस देश की। मैं जिवें पहला कहा भी पॉलिटिक्स इज नो मोर ए सर्विस, इट्स ए बिजनेस, पीपल इनवैसट एंड दैन अर्न। वो हूँ पैसे ला के खर्च के आया है, उन्हें तो अपनी कमाई करनी है, वो तो कुछ भी बोलूगा। तो यदा मतलब ये नहीं भी ही इज़ ऑलवेज राइट, तो इस करके कोई नहीं कही जान दो। पर खेती मंत्री को किनिया गल्ला सच बोलता हो। चलो आखिरी सवाल, तुसीं कहा कि यह लड़ाई भी पहला मंगू कट्ठे होकर लड़ी जाऊगी, जिस तरह खेती कानून असी रद्द करवाए ने, तो हूँ क्योंकि अद्धी जथेबंदियां होर पासे तुरदियां ने, तो इनिशिएटिव तुसीं लओगे कट्ठे? उदों 32 सी पहला अड्डो अड्ड सी 32, फिर हौली हौली 32 कट्ठियां हो गई सी ना, इहदे च हुण तां 2-3 ग्रुप ने, कोई दिक्कत नहीं होजू। शुक्रिया, धन्यवाद गलबात करदे। सो बलवीर सिंह राजेवाल जिन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली की सी जिहड़ी जंग आ खेती कानून रद्द करवाए ने, वह जंग जित्ती आ, हुण उसे तरह ही असीं कट्ठे होकर ही यह जंग आ जी लड़ांगे, पानिया की तो भी जितांगे। तो दूजा जो मसला कि वार बार जो सवाल उठता कि किसान यूनियन वख वख क्यों ने, तो राजेवाल का कहना कि बहुत जल्दी असी कट्ठे हो जाएंगे, कुछ कु भुलेखे ने कुछ किसान आगुआ जो जल्दी निकल जाएंगे। अपने सहयोगी विशाल के नाल मैं गगनदीप रटौल अखर दे।